हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मशीनों और मोल्ड्स पर टिके इस दुनिया में। आज हम आपको फैक्ट्रीज में कुछ ऐसी चीजें बनते हुए दिखाने जा रहे हैं जिनका प्रयोग तो आपने अपनी आम जिंदगी में खूब किया होगा, मगर आज तक उन्हें बनते नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के इस सफर पर चलने के लिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें डीपली अध्ययन को और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। दोस्तों, नंबर एक पर है कॉइन्स यानी सिक्के। यकीनन दोस्तों, पिछले 20 सालों में सिक्के के चलन में भारी कमी आई है, पर सिक्कों का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों, ये सिक्के ही थे जिन्होंने सचमुच करेंसी सिस्टम यानी मुद्रण व्यवस्था का निर्माण किया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कॉइन्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज से करीब 1800 साल पहले सिक्के किसी धातु यानी मेटल से ना बनाकर जानवरों की खाल यानी लेदर से बनाए जाते थे, जिन्हें एक्चुअली उस समय धमड़ी कहा जाता था। ये तो था दोस्तों सिक्कों का इतिहास। चलिए अब आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इन सिक्कों को कैसे तैयार किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत माइनिंग एरिया में लाए गए मेटल ऑर्स से होती है, जहां बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट में इन मेटल ऑर्स को काइनेटिक वॉशिंग प्रक्रिया के द्वारा साफ किया जाता है। यहां मेटल ऑर्स में मौजूद इम्प्योरिटीज जैसे मिट्टी, बालू और फोसल को हटाकर साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद हमारे पास बिल्कुल प्योर मेटल मौजूद होता है। अब बारी आती है इस रिफाइंड मेटल को मेल्ट यानी पिघला कर मोल्ड्स में कास्टिंग की। कास्टिंग के लिए इन्हें सबसे पहले एक रोलिंग कंपार्टमेंट में डालकर ओरे की लंबी लंबी पट्टियां तैयार की जाती हैं। इन पट्टियों को एक राइडिंग मशीन में डालकर कंप्रेस किया जाता है। इस कंप्रेशन का इस पर इतना असर होता है कि यह मेटल बेल्ट्स अपनी ब्रेथ को 2 सेंटीमीटर से रिड्यूस करके 3 मिलीमीटर तक ले आती हैं। अब आखिरकार इन्हें गोल आकार के सिक्कों के रूप में काटा जाता है, जहां अलग अलग वैल्यू के सिक्के बनाने के लिए इन्हें अलग अलग रेडियस में काटा जाता है। इन सिक्कों के कट जाने पर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए स्ट्रिकिंग यानी कि स्टाम्पिंग कंपार्टमेंट की ओर ले जाया जाता है, जहां एक मशीन इन सभी डिटेल्स और लोगों को सिक्के पर उकेर देती है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो तो आप पर पैसों की बरसात करने वाली है। पहले हमने बात की थी सिक्के की और अब बारी आती है करेंसी यानी नोट की। जी हाँ दोस्तों, शायद पूरी दुनिया में करेंसी नोट ही वह मुद्रा है जिसका हर क्षण प्रयोग करके चीजों को खरीदा और बेचा जाता है। अगर हम इन नोटों की जड़ों में जाएं, तो हमें इनका इतिहास 15वीं शताब्दी तक विस्तृत मिलेगा। वेल दोस्तों, पूरी दुनिया भर में अलग अलग तरह की करेंसी यानी नोट्स चलते हैं, जिनमें से हमारे देश का रुपया यानी कि इंडियन नेशनल रुपी भी एक है। और देश भर में चलने वाले यह करेंसी नोट बंगाल, कर्नाटक और ऐसे ही 4 अलग अलग जगहों की नोट प्रिंटिंग प्रेस से निकलते हैं। दरअसल ये नोट्स भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के सहयोग और कोऑर्डिनेट से जारी किए जाते हैं। नोटों का छपकर बैंक तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस बहुत ही गोपनीय रखा जाता है, जिस कारण से हमें इसकी कोई भी वीडियो नहीं मिल पाती है। इसकी फेक वीडियोस होती हैं जो कि ग्राफिक्स के द्वारा डिजाइन की जाती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कोई सी भी करेंसी क्यों ना हो, उसका छपने का तरीका एक ही होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यूरोपियन करेंसी यूरो को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, नोट बनाने के इस सफर की शुरुआत एक कॉटन गोडाउन से होती है, जहां एक विशेष तरह की कपास को पेपर शीट बनाने के लिए ले जाया जाता है, जहां इस कपास में एक विशेष प्रकार का ऑर्गेनिक पल्प मिलाया जाता है। उसके बाद एक कंप्रेसिंग मशीन द्वारा इसे कंप्रेस करके पतली पतली पेपर शीट में बदला जाता है। अब इन पेपर शीट्स को रोलर्स के द्वारा ट्यूब्स में लपेट लिया जाता है। इस प्रोसेस के ठीक बाद में एक निश्चित चौड़ाई में इन ट्यूब्स पर लगे पेपर को काटा जाता है। अब हमारा पेपर आगे की सभी प्रिंटिंग और पेस्टिंग प्रोसेस के लिए तैयार होता है। इसमें एक एक करके सभी होलोग्राम्स पेस्ट कर दिए जाते हैं। अब एक माइक्रो इंस्पेक्शन लेंस के जरिए कंप्यूटर में होलोग्राम और वाटरमार्क की बनावट को परखा जाता है। सभी चीजें सही पाए जाने पर वर्कर्स इन्हें छोटे छोटे वॉल्व में उठाकर प्रिंटिंग के लिए प्रेस में डाल देते हैं, जहां लेजर ट्रैकिंग टेक्निक के जरिए इन सभी नोटों की छपाई कर ली जाती है। फाइनली अब सारे नोट छपकर तैयार होते हैं। अब इन्हें कई बार मैन्युअली और थर्मल टेस्टिंग मशीन के जरिए चेक किया जाता है। सभी चीजों में बिल्कुल परफेक्ट पाए जाने पर इन्हें एक एक नोट के रूप में काट कर स्टैक्स में बांध लिया जाता है। फिर इन सभी स्टैक्स को कार्टून में पैक करके बैंक तक भेज दिया जाता है।
दोस्तों तीसरे नंबर पर है तेज और तर्रार कुछ भी भेद देने वाली बुलेट। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में काम में ली जाने वाले हथियारों में बुलेट का यूज सबसे कॉमन है। दरअसल बंदूक में लगने वाली गोली को ही अंग्रेजी में बुलेट कहते हैं। और दोस्तों साथ ही में मैं आपको इससे जुड़ा एक फैक्ट भी बताना चाहूंगा। दरअसल बुलेट का आविष्कार साल 1826 को फ्रेंच सोल्जर हेनरी गस्टेव ने किया था। अगर मैं आपको बुलेट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो इसके टिप यानी एक्चुअल बुलेट जो कि कॉपर यानी तांबे की बनी होती है, उसके बाद उसका सेल जो कि पीतल का बना होता है, उसके बाद एक छोटा कंपार्टमेंट जहां गन पाउडर भरा जाता है। असल में ये गन पाउडर ही बुलेट की फायरिंग के लिए फोर्स जनरेट करता है। लास्ट में इसका प्राइमर और रिंग जहां की ट्रिगर हैमर से बार करके बुलेट को फायर किया जाता है। अब दोस्तों हम आते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ओर। जी हां, सबसे पहले एक लंबी ब्रास शीट को काट कर उससे बुलेट के शेल्स यानी कि खोखे तैयार किए जाते हैं। ये मशीन एक मिनट में 40 से भी ज्यादा खाली सेल्स तैयार करने की क्षमता रखती है। उसके बाद इन सभी सेल्स के पिछले छोर पर एक प्राइमर लगा दिया जाता है। ये प्राइमर किसी पटाखे की तरह काम करता है। असल में यही प्राइमर फायरिंग के लिए आवश्यक फोर्स जनरेट करता है। उसके बाद सभी सेल्स को असेंबली लाइन में अलाइन करके इन सभी में गन पाउडर भर दिया जाता है। इनफैक्ट ये गन पाउडर सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के मिक्सचर से बना होता है। अब इन सभी सेल्स के ऊपर पहले से ही तैयार कॉपर बुलेट को प्रेस कर दिया जाता है और ऐसे एक बुलेट तैयार हो जाती है। और साथ ही हम आपको एक चौंका देने वाली बात बताना चाहेंगे कि एक बुलेट की कीमत 37 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक हो सकती है। ये उसके राउंड और मिशन पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब बारी है नंबर 4 की और यहाँ है इंडस्ट्री और प्रोडक्शन सेक्टर की जान। जी हाँ, अब बारी है मेटल कंटेनर्स या फिर हम कहें ड्रम्स की। दोस्तों चाहे कोई भी एग्रो इंडस्ट्री हो या फिर केमिकल फैक्ट्री, सभी में एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो है मेटल ड्रम्स। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कैसे तैयार होते हैं ये मेटल ड्रम्स। दोस्तों सबसे पहले फैक्ट्रीज में मेटल शीट्स यानी स्टील की चादरों को मशीन के द्वारा सिलेंडर की शेप में मोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे एक सिलेंड्रिकल शेप में बनाए रखने के लिए एक मजबूत गैस वेल्डिंग की जाती है, जिसके बाद इसके दोनों सिरे बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाते हैं। अब इन सभी सिलेंड्रिकल शीट्स को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइनिंग कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां ये गोल गोल घूम रहे फिलिंग रोलर्स इनके सेंटर पर रिंग का डिजाइन उकेर देते हैं। उसके बाद ऐसे ही ऊपर और नीचे छोटे रिंग डिजाइन बनाए जाते हैं। इतना हो जाने के बाद ड्रम की बॉडी बिल्कुल तैयार होती है। अब एक मोल्डिंग मशीन के जरिए ड्रम की लीड यानी ढक्कन तैयार किए जाते हैं। इन सभी लीड्स को अब एक रोलिंग सील के जरिए बॉटम पर सील कर दिया जाता है। लास्टली अब इन सभी ड्रम्स में स्प्रे पेंट के जरिए अलग अलग रंग का पेंट कर दिया जाता है और ऐसे एक इंडस्ट्रियल ड्रम को तैयार किया जाता है। दोस्तों अब आखिर में नंबर है ग्लास यानी कांच की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। एक्चुअली अगर हम कांच के इतिहास में जाएं तो हमें पता चलेगा कि कांच आज से 3500 साल पहले ग्लास का प्रयोग प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में किया गया था। वहाँ ग्लास यानी कांच को एक लग्जरियस आइटम के तौर पर देखा गया था। हालांकि 300 सालों के बाद ये वहाँ काफी आम हो गया था। वेल दोस्तों आई एम श्योर आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि कांच एक लग्जरियस आइटम कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि उस वक्त जिन व्यापारियों ने कांच से क्रोकरीज का निर्माण करके सभी लोगों को चौंका दिया था और शुरुआत में इसका प्रयोग केवल राजा और सभ्यता के बड़े बड़े रईस लोग ही किया करते थे। वेल दोस्तों हमने इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री के बारे में तो बात कर ली, चलिए दिखाते हैं फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है कांच। फैक्ट्री में सबसे पहले एक बहुत गर्म और बड़ी फर्नेंस यानी भट्टी में पुराने कांच को पिघलाया जाता है। दरअसल दोस्तों ये वही कांच होता है जिसे आप अपने घर में इस्तेमाल करने के बाद जंक सेलर यानी कि कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। यहाँ इस कांच को 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लाकर पिघला दिया जाता है, जिसके बाद ये कांच लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब इस कांच को बड़े बड़े चमचों के जरिए ड्रेसिंग मशीन तक ले जाया जाता है, जहां इन्हें एक रोड के जरिए बार बार उठाया और पलटा जाता है,
जिससे ये एक इवन फॉर्म ले लेता है। अब इस कांच के जेली जैसे मिश्रण को रोलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जी हाँ, जहाँ इसके कांच की बड़ी बड़ी शीट्स तैयार कर ली जाते हैं। अब इन ग्लास शीट्स को 3 से 6 घंटे तक नेचुरली ठंडा होने दिया जाता है, और जैसे ही ठंडी होती है वैसे ही आपका ग्लास बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम इसके पीछे पेंट कर देते हैं तो ये शीशा बन जाता है। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कांच कैसे तैयार किया जाता है। वेल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।